कॉन्सर्ट को लेकर अदनान सामी वीएस उमर अब्दुल्ला की ट्विटर पर सर्जिकल स्ट्राइक बॉलीवुड में कभी तो नजर मिलाओ सहित कई सुरीले गीतों को आवाज देने वाले अदनान सामी को आज कौन नहीं जानता है। जी हाँ, बता दें कि बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में आपको वे सुप्रसिद्ध कव्वाली तो याद ही होगी जिसे की सिंगर अदनान समय ने अपनी सुमधुर आवाज में पिरोया था। अब एक बार फिर से हमें सिंगर अदनान सामी के बारे में कुछ सुनने में आया है। अदनान जिन्होंने अब भारतीय नागरिकता को हासिल कर लिया है। अब देखा जाए तो एक बार फिर से अदनान सामी अपने एक कॉन्सर्ट के कारण सुर्खियों में बन आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रीनगर में डल झील के किनारे रिदम इन पैराडाइज नाम से अदनान सामी का कॉन्सर्ट रखा गया था, लेकिन इस कॉन्सर्ट की सक्सेस को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अदनान के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई। दरअसल 7 अक्टूबर को आयोजित इस कॉन्सर्ट में ज्यादा लोग नहीं आए, जिसकी वजह से ज्यादातर कुर्सियां खाली दिख रही थीं। खाली कुर्सियों की तस्वीर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। उमर ने भी कई ट्वीट कर अदनान पर तमस कंसा, वहीं नाराज अदनान ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। इसके बाद से ही दोनों ने एक के बाद एक ट्वीट करके एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, उम्मीद है कि अब लोगों ने उन सीटों को भर दिया गया होगा। यह म्यूजिक की एक शाम उन्हें शांति की ओर ले जा सकती थी, जिसके जवाब में अदनान ने भी ट्वीट किया। अदनान ने कहा, आप एक म्यूजिक कंसर्ट से ही काफी सकते में दिख रहे हैं। ब्रो, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको इस तरह एक म्यूजिक कंसर्ट से चकित नहीं होना चाहिए। शायद आपके सोर्स बेहद खराब हैं जिन्होंने आपसे इस कॉन्सर्ट के बारे में झूठ बोला है। इस तरह से इन दोनों ही हस्तियों की ट्विटर पर बयानबाजी तेज हो गई है।